Assalamu alaikum class 3, how are you all? Hope you all are fine. I am Ms. Sabiha, your maths teacher. And today we are going to do our second term work. As you already know, हमारा second term हमारी online classes के साथ ही start हो गया था. वहाँ हमने title page भी बनाया था. आज हम दोबारा से अपना second term आगे continue कर रहे हैं. और अब मैं आपको कॉपी मेकिंग और ये सब चीज़ें दोबारा बताऊंगी, ठीक है? तो आपने अपनी काउंटडाउन की बुक खोलनी है. कौन सा लेसन हमारा था जो हम ऑन रिवीजन वीक से पहले हम कर रहे थे? डिवीजन था, ठीक. डिवीजन में हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके पेज नंबर 93 पे है वो हमने कर लिया था बुक के अंदर ही, ठीक. और हमने ठीक है. और अब हम करेंगे क्वेश्चन पेज नंबर 94 का क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 भी हम कर चुके थे. एक मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूंगी पहले कि हमने डिवीजन में किया क्या था, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 अपना स्टार्ट करेंगे. ओके, पेज नंबर 83 को ओपन करें, ठीक है. इसमें आपका ये एक डिवीजन का बार या इसको हम कहते हैं ब्रैकेट बना हुआ है. हमने जब ये किया था तो मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर का हम टेबल रीड करते हैं वो आपका डिवाइज़र होता है. जिस नंबर तक हम टेबल रीड करते हैं वो कोशेंट है, यानी वो आपका आंसर भी कहलाता है. और जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा है वो आपका डिवाइडेंड होता है. हम ये करते हैं डिवीजन में कि ये हम 3 का टेबल रीड करेंगे कि 3 के टेबल में एग्जैक्टली 21 आ जाए, या अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 22 होता तो 3 के टेबल का ऐसा नंबर जो 22 या 22 से छोटा है वहाँ तक आ जाए, ठीक है. अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें आपका रिमाइंडर का क्वेश्चन इंक्लूड नहीं था. अब जब मैं आपको अगर था भी तो दोबारा आपका रिकॉल हो जाएगा. बल्कि रिमाइंडर का क्वेश्चन आपका था किस पेज पे था? आगे पेज पे. तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारा है पेज नंबर 94 पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है. आपने करना है अपनी कॉपी में. कैसे करना है? आपने पेज बनाना है मंथ ऑफ जनवरी का, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6, डेट, क्लास वर्क और ट्यूसडे, ठीक है. ये आपका क्लास वर्क है, ये आपने करना है. दो क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, दो क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे, ठीक. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी पेज नंबर 94 पे क्वेश्चन नंबर 6 में है, ए एंड बी और जे और के करवा रही हूँ मैं. ए एंड बी मैं आपको क्लास में कराऊंगी. हम कैसे करेंगे? पहले हम इसकी बोर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम इसको कॉपी में करेंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, ये मैंने बनाया. मेरे पास नंबर है 49, ओके. और बाहर मेरा नंबर है 6. तो मुझे क्या करना है? मुझे 6 का टेबल रीड करना है. और कहाँ तक करना है? मुझे वहाँ तक करना है कि इस टेबल में 49 या 49 से छोटा कोई नंबर आ जाए, ठीक. टेबल्स आप सबको याद हैं. किस नंबर का टेबल रीड करना है? इस नंबर का टेबल रीड करना है जो हमारा ब्रैकेट से बाहर होता है, ठीक है. टेबल रीड करते हैं 6 का. कब तक रीड करते रहेंगे? जब तक इस टेबल में 49 ना आ जाए, या अगर 49 नहीं आता तो 49 से छोटा कोई नंबर ना आ जाए. 6 के टेबल में 49 नहीं आता. 49 से छोटा क्या आता है? 48. और कहाँ आता है? 8 पे आता है, ठीक है. जैसे देखें, अगर मैं यहाँ लिखूँ 6 × 8 = 48, तो ऊपर मैंने कौन सा नंबर लिखा? ये वाला, जिस नंबर पे 48 आता है. ये 48 जो था ये आपका 49 अंदर लिखा था और 6 बाहर लिखा है. 6 के टेबल में 48 नहीं आता, 49 आता है. 6 × 8 = फिर मैं लिखूंगी यहाँ पे जो नंबर आता है 48, ये आपका हो जाएगा माइनस का सम, ठीक है. अब 9 में से 8 माइनस करूँ तो 1, और 4 में से 4 माइनस किया 0. ये 1 आपका है रिमाइंडर. रिमाइंडर क्या होता है? जो आपका माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर आता है, जो मज़ीद 6 के टेबल से नहीं जा रहा, ठीक है. क्योंकि 6 के टेबल में सबसे छोटा नंबर 6 ही आता है 1 पे. 6 × 1 = 6. सबसे छोटा 6 आ रहा है, उससे पहले तो टेबल है ही नहीं, 1 से ही स्टार्ट हो रहा है. और 1 आपका 6 के टेबल में आ ही नहीं रहा, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया. रिमाइंडर वो नंबर होता है जो आखिर में बच जाता है और जो टेबल हम रीड कर रहे हैं उसमें वो नंबर आता ही नहीं है, ओके. गॉट इट? चलें अब हम अपनी कॉपी पे इसको करते हैं. यहाँ मैंने लिखा 6 × 8 = 48. ये आपका बन गया माइनस का सम, रिमाइंडर. दिस इज़ योर रिमाइंडर जो आपका बाकी बचा हुआ नंबर होता है, और ये कोशेंट आपका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 58 और बाहर नंबर है 8.
यानी मुझे 8 का टेबल रीड करना है, और कहाँ तक रीड करना है, जब तक 8 के टेबल में 58 ना आ जाए, या फिर 58 अगर ना आता हो तो 58 से छोटा जो भी नंबर आता है वो आ जाए, ठीक है। तो 8 के टेबल में आता है 58 से छोटा 56, और कहाँ पे आता है, 7 पे। तो जिस नंबर पे आता है वो मैंने ऊपर लिखा, और 7 पे क्या आता है, 56, वो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। ये मेरा बन गया अगेन मेरा माइनस का सम, 8 माइनस 6 2, और 5 माइनस 5 0। तो 2 मेरा क्या है, रिमाइंडर, यानी 2 ऐसा नंबर है जो 8 के टेबल में आता ही नहीं है। अगर यहाँ कोई ऐसा नंबर होता जो 8 से बड़ा होता तो मैं दोबारा इसको यही वाला प्रोसेस दोबारा रिपीट करती, ठीक है। आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 2 मेरे 8 के टेबल में आता ही नहीं है। 8 में सबसे छोटा नंबर आता है 8, 8 वन ज़ा 8, तो 2 मेरा हो गया रिमाइंडर। दो क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिए, जे एंड के, ये आपका होमवर्क है, ये आपने अपनी कॉपी में करना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लें, बिल्कुल ऐसे ही प्यारा सा नीट एंड क्लीन पेज आपने ड्रॉ करना है, डेट के साथ, क्लास वर्क के साथ एंड डे के साथ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अल्लाह हाफिज़।